In this video, we will be covering the topic React Native versus other frameworks. Yeah, how does React Native differ from other mobile development frameworks? सबसे पहले, let's talk about what is a mobile development framework. Actually, जो framework होता है, वो एक set of tools और libraries होता है, जो कि developer को enable करता है कोई app बनाने के लिए. अगर इसको मैं आसान लफ्जों में बयान करने की कोशिश करूँ, तो mobile development framework को आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझें जिसको सीखकर आप मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप और डिप्लॉय कर सकते हैं. इसके लिए टूल्स और लाइब्रेरीज का यूज़ किया जाता है. ये फ्रेमवर्क का यूज़ करके डेवलपर्स कुछ मुश्किल काम आसानी से कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको डेटा स्टोरेज आसानी से फ़ोन जो लोकल स्टोरेज है उसमें आप कर सकते हैं. नेटवर्क कम्युनिकेशन होती है जो कि ओवर द इंटरनेट होती है, वो आप कर सकते हैं. जो आपकी ऐप की परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, बट फ्रेमवर्क्स ये सब कुछ ऑलरेडी हैंडल करते हैं और हमें इन द एंड कुछ लाइब्रेरीज और टूल्स दे देते हैं जिसको हम यूज़ करते हुए मोबाइल एप्लीकेशंस को आसानी से डेवलप कर लेते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द कंपैरिजंस React Native में और जो बाकी frameworks हैं उनके बीच में. So when it comes to mobile development, there are obviously many different frameworks and tools available. Like Flutter is quite famous right now. Ionic पहले काफ़ी famous होता था. Xamarin, PhoneGap and Cordova ये कुछ हैं. And obviously React Native is also one of the most popular frameworks out there. However, React Native stand out in a few ways. The first way in which React Native stands out is the code base. Code base हम एक ही React Native में use करते हैं, meaning सिर्फ एक code हम एक दफ़ा लिखते हैं and then we are able to run it everywhere. ये इस time React Native का slogan भी यही है, क्योंकि आप एक दफ़ा कोड लिखें और उसको iOS के ऊपर रन करें, आप उसको Android के ऊपर रन करें, टैबलेट्स के ऊपर रन करें, इवन TVs के ऊपर रन करें. एंड रिसेंटली React Native ने वेब की भी लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस की है, सो आप अब उसको वेब के ऊपर भी रन कर सकते हैं. सो एक दफ़ा आपने कोड लिखना है एंड इट रन्स ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. दिस इज़ अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम frameworks like Xamarin or PhoneGap, जो back in the day different code bases के लिए different code bases require करता था for each platform. So अगर आप तरीके से देखें तो React Native is already a huge step forward. Secondly, React Native components को use करता है अपना user interface बनाने के लिए. इसको अगर आप डीपली समझने की कोशिश करें या इसका इम्पैक्ट आप समझने की कोशिश करें, देन यू विल कम टू रियलाइज कंपोनेंट्स को रीयूज़ करते हुए आप एक तो अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेते हैं डेवलपमेंट की, बिकॉज एक ही कंपोनेंट को आप डिफरेंट जगहों पर यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक आपने बटन लिखा है, उसका कोड लिखा है और वो अगर 10 जगहों में यूज़ होता है तो आप उसको एक ही कंपोनेंट को 10 जगहों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडली, इससे आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है. मीनिंग अगर आप एक उसको 4 इंच की स्क्रीन के ऊपर एक यूआई को देखते हैं एंड देन उसको 7 इंच की स्क्रीन के ऊपर यूआई को देखते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिव होगा. मतलब कि वो 7 इंच की स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड कर देगा, बिकॉज आपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए पूरा यूआई बनाया हुआ है. उसके अलावा जो थर्ड चीज़ है इसमें, वो है नेटिवनेस. कंपोनेंट्स को आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके कंपोनेंट्स नेटिव कंपोनेंट्स हैं. मतलब कि ये ऐसा ही है जैसे आपने कोटलिन में या स्विफ्ट में अपनी ऐप बनाई है. तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी स्पीड है, जो आपकी सिक्योरिटी है, इट इज़ एज गुड एज अ नेटिव ऐप. दिस इज़ अगैन अ ह्यूज वे फॉरवर्ड एंड अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड. Last but not the least, React Native
कि जो कम्युनिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही लार्ज और बहुत ही एक्टिव है. हैविंग अ लार्ज एंड बिग सपोर्टिव कम्युनिटी बेसिकली मींस कि जो आपको इस टाइम मसला पेश आ रहा है डेवलपमेंट करते हुए, वो ऑलरेडी किसी को पिछले 4-5 सालों में वो मसला आ गया हुआ था और उसने वो रिजॉल्व कर दिया हुआ है. सो आपको वो जो री इन्वेंट द व्हील का एक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस में, वो आपको नहीं करना पड़ता. एंड हैविंग अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रियली हेल्प्स टू फिगर आउट प्रॉब्लम्स दैट यू फेस डे टू डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.